फिल्म इंडस्ट्री के ही मैन ऑफ पूर्व सांसद धर्मेंद्र पहुंचे करनाल, मीडिया से हुए रूबरू। कहा, हमें सैनिकों का एहसानमंद होना चाहिए, उनकी वजह से हम आजादी से घूम रहे हैं। पुलवामा हमले को आज एक वर्ष पूरा हो रहा है। इस मौके पर फिल्म इंडस्ट्री के ही मैन ऑफ पूर्व सांसद धर्मेंद्र करनाल पहुंचे। खुद के नाम से करनाल में खुले एक रेस्टोरेंट के उद्घाटन के दौरान उन्होंने अपने फिल्मी जीवन और सामाजिक मुद्दों पर मीडिया से हुए विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि हमें अपने देश के सैनिकों का एहसानमंद होना चाहिए, उनकी वजह से हम आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं। पुलवामा हमले के सवाल पर धर्मेंद्र ने कहा कि जब भी कोई सैनिक शहीद होता है तो मेरा मन सबसे ज़्यादा दुखी होता है, इन्हें सम्मान देना हमारा फर्ज है। ये लोग बॉर्डर पर बैठकर हमें सुरक्षित वातावरण देते हैं, वास्तविक जीवन के असली हीरो यही हैं। अगर मैं फिल्मों में नहीं होता तो आर्मी में होता और भारत माँ के लिए मेडल जीत कर लाता। करनाल में जो मैंने रेस्टोरेंट खोला है इसमें सैनिकों का विशेष रियायत दी जाएगी। ख्वाब हर इंसान देखता है, हक है हर किसी का ख्वाब देखना, अमीर का, गरीब का। और ख्वाबों की ताबीर जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। कौन नहीं देखता ख्वाब, हर किसी के ख्वाब होते हैं। एक जाट ने गांव के एक गरीब परिवार के एक बंदे ने, एक लड़के ने, उस वक्त में लड़का था, उन्होंने ख्वाब देखे थे एक्टर बन जाने के। उसकी इबादत में दम था, मालिक ने अपनी मेहर की मोहर मेरे मुकद्दर पर सबत कर दी। बॉम्बे चला गया। फिर कहते हैं ना, एक्टर बनने के बाद भी आपके खून में जो सदियों से चलता आ रहा है, उबलता है, वो एक किसान का खून है मेरे अंदर। बॉम्बे जाकर जी चाहा कि मेरी एक फार्म हो जहाँ मैं खेती कर सकूं, गाय भैंसे रख सकूं, जहाँ से मैं आया था उनके बगैर मेरा दिल नहीं लगता था। तो मैंने जहाँ ज़मीन खरीदी, भगवान ने, मालिक ने वहाँ एक एक्सप्रेस साइड हाईवे बिल्कुल साथ से दे दिया। देखिए मुकद्दर की बात, मुकद्दर क्यों मिलता है? मेरे ख्याल से अगर हम नेकी से सब कुछ करें, अगर उसमें हमारी खोट ना हो, हमारी मांग में खोट ना हो, हमारी मेहनत में खोट ना हो, तो वो जरूर सुनता है। शहीद के लिए को सलाम करता हूँ। जितने शहीद पहले हुए हैं उन्होंने काम किया है, मैं उनको याद करके रो पड़ता हूँ कभी कभी। हर शहीद को सलाम करता हूँ। इन शहीदों का दिन आप नहीं दे सकते, हम घूमते हैं, ये शहीद तो हमेशा अमर रहेंगे। ये हमें उत्साह देंगे, ये शक्ति देते हैं हमें, ये वतन पे मर मिटने की हिम्मत देते हैं आपको। बन के तो देखो उनकी तरह, जी के तो तरह इस जिंदगी में वो जिंदगी जियो जो वो बॉर्डर में जीते हैं। वो वतन के लिए मरते हैं, आप वतन के लिए जी के देखो, वतन वालों से मोहब्बत करो, एक दूसरे से प्यार से रहो दोस्तों। उसके बंदों की बंदगी में उसे पा रही है, आप सब में है वो, तेरे बंदों की बंदगी में तुझे पा लिया है। मंदिर मस्जिद में जाता नहीं दोस्तों, मैं धर्मेंद्र हूँ, ये सूर है और यही मेरी शक्ति है। मैं आप सबको चाहता हूँ, होती है तारीफ अहमियत की, वीआईपी बड़ा, ये बड़े बड़े बादशाह, ये पता नहीं क्या नाम रख लेते हैं, होती है तारीफ अहमियत की, इंसानियत की मगर कदर होती है। तारीफ और कदर में फर्क देखिए साहब, होती है तारीफ अहमियत की, इंसानियत की मगर कदर होती है। तरजीह ना दे ओहदे को इंसानियत पर, बंदे में खुदा की तब नजर होती। और क्या कहूँ भाषा, किस शहीद के लिए, भगत सिंह मां जैसे जिसने भगत सिंह पैदा किए, ये तो शहीदों की धरती है। तभी जिंदा हैं आप, तभी ऐश कर रहे हैं, तभी हम करते टिकट घूम रहे हैं, तभी एक्टिंग कर रहे हैं। उनको उनको तो उठ के सलाम करना चाहिए, हर सुबह उठ के सलाम करना चाहिए, हर फौजी को सलाम करो उठकर, उनसे बड़ा कौन है।
भारत माँ की रक्षा वही कर रहे हैं, हम तो भारत माँ को एंटरटेन कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिल में वो जज्बा है। अगर मैं एक्टर नहीं होता तो मैं आर्मी में होता आज कहीं, या कहीं एथलीट होता मैं, और भारत माँ के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाता। मुझमें शक्ति दी है उसने, रेसलर को तो पता नहीं, कबड्डी भी खेलता था, सब कुछ किया जाता है। बस आपकी मोहब्बत है ना, जो प्यार मोहब्बत आपका सींचता है जज्बात को मेरे। मैं लिखते एक लाइन और सुना देता हूँ, अब आए हम लोग, और उसके साथ जो हमारे शहीद होते हैं सरहद पे वतन पे परवान हो जाते हैं, जवान अभी भी राजस्थान पे उसको देख के उसी बात को देख के दिल भर आता है। तो मैंने वादा लिया है कि यहाँ से उन विडोज के लिए कुछ किया जाएगा, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप देनी चाहिए। तो बिजनेस से ज़्यादा मेरा दिल ये है कि मैं इसको एक नेकी के लिए करूँ। जिंदगी भर पैसा पैसा सब कुछ नहीं होता। आत्मा ने कहा धर्म क्या लेकर आए थे, क्या लेके जाओगे, फकीर हो जाओ, सुकून ही सुकून है। तो हम तो आजकल फकीर होकर घूमते हैं भाई, ये पैसे के लिए तो सब कुछ हो चुका है। लेकिन अब जी चाहता है कि इस बचपन में आकर इस छोटी सी उम्र में कुछ भगवान का नाम लिया जाए।